वेलकम टू हैशटैग रत्ना डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज निखिल। आज आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है गाइस। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक ऐसा प्रोडक्ट जो बैंड टाइप के अंदर कैमरा जिसके अंदर लगा हुआ है, बैंड है जिसके अंदर इनबिल्ट कैमरा लगा हुआ है, जो हम कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें किसी की एविडेंस इकट्ठे करने या फिर हमें कुछ भी करना है, उसके अंदर कैमरा है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। हम अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। हम देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है एक बैंड, ये है एक बैंड, एकदम एमआई बैंड की तरह दिख रहा है, जिसके अंदर हमें मिलते हैं दो स्विचेस। यहाँ पे कैमरा इस जगह पे हमें दिख रहा है एंड पट्टा नॉर्मल एमआई बैंड की तरह ही है ये, पर उससे थोड़ा सा बड़ी साइज में। देन हमें मिलता है एक केबल, एक माइक्रो केबल जिसके थ्रू हम इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ये दो ही चीजें इसके अंदर होती है। अब सबसे पहले आपको इसको यूज कैसे करना है, मेमोरी कार्ड कौन सा डालना है, वो सब मैं बताऊंगा और इन सब बटनों के क्या रोल है। सबसे पहले आपको इसको पट्टे से बाहर निकालना है। इसको, ये हमारा जो डिवाइस है इसमें ये कैमरा है, मेमोरी कार्ड डालने का आपको इस जगह पे मिल जाएगा। इस सबसे पहले जैसे ही आपको ये डिवाइस मिलती है या आप परचेस करते, सबसे पहले इसे 2 आवर्स आप चार्जिंग पे लगा दीजिए। चार्जिंग पे लगाने के लिए ये माइक्रो केबल है, नॉर्मल डालो और एडेप्टर में आप डाल दीजिए। ये चार्ज 2 से 3 घंटे इसे चार्ज पे लगाना है और हमें इसके अंदर 32 GB का मेमोरी कार्ड डालना है। जो भी इस पर हिडन होते हैं वो सब 32 GB के कार्ड सफेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, एक 32 GB का मेमोरी कार्ड डाल देंगे। मेमोरी कार्ड डालने का स्विच यहाँ पे स्लॉट दे रखा है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि मेमोरी कार्ड हमेशा इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से अंदर, ठीक है। जो चिप्स है वो नीचे की तरफ रहेगी और मेमोरी कार्ड ऐसे जाएगा। अब जैसे ही मैं इसे करूंगा तब मैं इसके अंदर इसमें इंसर्ट करूंगा, तो एक कोई क्लिप फ्लिप आप ले लें जिससे अपन इसको प्रेस कर सके। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ये प्रेस मैंने जैसे ही की इसको, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली आपको क्लिप फ्लिप की भी मदद नहीं लेनी है, डायरेक्ट आप ऐसे प्रेस कर दो, सीधा क्लिक की आवाज आई, मतलब ये कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं हमें 2 स्विचेस दे रखे, उसके अकॉर्डिंग इसको मेरे को वापस बैंड पहना देना है। ये बैंड मैंने पहना दिया, दोनों स्विचेस इस पे आ गए और ये आ गया, ठीक है, एकदम बराबर। अब मेरे को इसको ऑन करना है। मैं ऑन कैसे करूंगा सर, जो कैमरे के जस्ट पास वाली बटन है, मतलब फर्स्ट नंबर, और ये होगी सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर बटन मतलब कैमरे के पास वाली, सेकंड नंबर बटन ऊपर वाली। अब जैसे मुझे ये डिवाइस ऑन करना है तो मैं इसको बटन को एक बार प्रेस करूंगा 3 सेकंड के लिए। जैसे ही मैं 3 सेकंड के लिए प्रेस करूंगा, ये एक बार वाइब्रेट होगा और यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाएगी रेड कलर की, मतलब डिवाइस ऑन हो चुका है, कैमरा इज रेडी टू यूज। अब मुझे क्या करना है गाइस, सबसे पहले बता दूं ये प्रोडक्ट 3 काम के आता है, 3 चीज इसके अंदर होती है। फर्स्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्ड होता है ऑडियो के साथ, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर हम पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। और तीसरा, इसके अंदर हम खाली ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम तीनों ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, तो जैसे ही मैंने डिवाइस ऑन किया ये रेड लाइट आ गई। अब मुझे क्या करना है, 3 सेकंड के लिए ये बटन एक बार खाली प्रेस करनी है। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। जैसे ही ये मैंने दबाया, ये दबाया, डिवाइस वाइब्रेट हुआ और ये रेड लाइट ब्लिंक करेगी। जैसे ही ये रेड लाइट 3 बार ब्लिंक करेगी, मतलब रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। मैं एक बार वापस से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये डिवाइस ऑन हुआ, ठीक है, रेड लाइट आ रही है। अब रिकॉर्डिंग चालू करनी है तो कैमरे के पास वाली बटन को एक बार प्रेस करना है, खाली एक बार प्रेस किया, रेड लाइट 3 बार ब्लिंक हुई, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब हम 10 मिनट की क्लिप बनाएंगे और हम इसका रिकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। ये रिकॉर्डिंग चालू थी, हमने 10 से 15 मिनट की क्लिप बना ली। अब रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, खाली ये जो बटन है इसको एक बार हल्का सा प्रेस करना है, एक बार के लिए। एक बार प्रेस किया, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये रेड लाइट ब्लिंक हो जाएगी, मतलब ये रिकॉर्डिंग अभी बंद हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्डिंग। अब हम चाहते हैं कि हम फोटो क्लिक करें, तो फोटो क्लिक करने के लिए क्या करना है, जो नंबर सेकंड बटन है, सेकंड बटन, उसको मुझे खाली एक बार प्रेस करना है। ये बटन है, मैंने एक बार प्रेस किया तो ये एक बार वाइब्रेट होगा, खाली लाइट जरा भी कुछ भी नहीं होगा, खाली एक बार वाइब्रेट होगा, मतलब फोटो क्लिक हो गया। जैसे मैं फोटो खींच रहा हूँ, ये एक बार मुझे खाली इसको क्लिक करना है, वाइब्रेट हुआ और बस एक बार वाइब्रेट हुआ, मतलब फोटो खींचा गई। ये मैंने 3-4 बार फोटो खींचा हूँ,
बस डिवाइस एक एक बार वाइब्रेट हो रहा है। ओके ठीक है, अब गाइज हम क्या चाहते हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर, इसको मैं वापस से एक बार बंद कर देता हूँ, ये मैंने इसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने के लिए फर्स्ट नंबर की बटन को मुझे कंटिन्यू प्रेस करके रखना है तो लाइट बंद हो जाएगी, मतलब डिवाइस बंद हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ खाली ऑडियो रिकॉर्ड करूँ। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या करना है, डिवाइस को ऑन करना है। ये डिवाइस ऑन हो गया, रेड लाइट आ गई। अब मैं चाहता हूँ ऑडियो रिकॉर्ड हो, तो ये जो सेकंड नंबर वाली बटन है इसको मुझे 3 सेकंड तक प्रेस करना है। 3 सेकंड में प्रेस करूंगा तो डिवाइस 3 बार वाइब्रेट होगा और बंद हो जाएगा, इसका मतलब अब ऑडियो रिकॉर्ड होगा। अब मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये वाइब्रेट हुआ 3 बार और लाइट भी बंद हो गई 3 बार, मतलब वाइब्रेट होने के बाद, मतलब अब हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये ऑडियो अभी रिकॉर्ड चालू है। अब आपको ऑडियो रिकॉर्ड भी बंद करना है तो क्या करेंगे, हम सीधा ये जो सेकंड नंबर की बटन है इसको मैं एक बार दबाऊंगा तो ये ऑडियो रिकॉर्ड बंद हो जाएगा अपना, जैसे ही लाइट चालू हो जाएगी, वाइब्रेट हो गई लाइट चालू होगी, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड बंद हो चुका है। ठीक है, अब इस डिवाइस को शट डाउन करना है तो इस बटन को कंटिन्यू 5 सेकंड तक दबा के रखूंगा तो ये डिवाइस ही बंद हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं गाइस रिकॉर्डिंग। इसके लिए मैं इसका मेमोरी कार्ड निकाल देता हूँ इसके अंदर से और मोबाइल में इंसर्ट करूंगा। ये निकाला मेमोरी कार्ड, अब मैं मोबाइल में डालूंगा इसको। गाइज हमने अब मोबाइल के अंदर ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर दिया है। मेमोरी कार्ड ये 32 GB का था। अब इसके अंदर हमने वीडियो भी बनाई है, फोटोज भी लिए और ऑडियो भी रिकॉर्ड किए। तो मैं अभी एसडी कार्ड को ओपन करूंगा और आपको एक एक चीज बताऊंगा। ये एसडी कार्ड ओपन हो चुका है, देखो वीडियोज के अंदर 4 वीडियो आए, फोटोज मैंने बहुत सारे लिए थे। सबसे पहले हम फोटोज से चालू करते, फोटो मैं आपको दिखाता हूँ और ऑडियो भी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे फोटो में। ये गाइज ये देखिए, ये सब फोटो आ चुके, ये मेरी शॉप के फोटोज हैं जो हमने लिए, हर एंगल से अलग अलग लिए, मतलब फोटो भी एकदम क्लियर है। अगर आप कोई एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं या किसी का फेस ले रहे हैं तो क्लियर फोटो आएगा इसके अंदर, तो क्लियर फोटो आप इसके अंदर देख पाएंगे, एकदम फोटो क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो ऑडियो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑडियो का ये 3 ऑडियो हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। एक ऑडियो में जो सबसे ज्यादा MB का है वो प्ले कर देता हूँ, 1.21 MB का है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। ये ऑडियो की आवाज है, मतलब हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आपको ऑडियो रिकॉर्ड भी बंद करना है तो क्या करेंगे हम, ठीक है गाइस। ये ऑडियो की क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है, ये हमारी रत्ना डिस्ट्रीब्यूटर की गारंटी है। अब हम जाएंगे सर वीडियोस के अंदर। वीडियो के अंदर जो 4 वीडियो हमने बनाए उसमें से जो सबसे ज्यादा MB का है वो मैं प्ले करता हूँ। 29 MB का ये वीडियो है, ये मैं अभी प्ले करूंगा। ये हम प्ले करेंगे, इसके अंदर वीडियो प्लेयर है उससे प्ले करते हैं। तो अभी हम प्ले करेंगे और MX प्लेयर इस मोबाइल के अंदर नहीं था तो हमने MX प्लेयर डाउनलोड किया गाइस और ये MX प्लेयर के थ्रू वीडियो प्ले करे। MX प्लेयर की क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, ये MX प्लेयर के अंदर ये वीडियो आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जी जैसे छोटी सी एक वीडियो बनी थी, एक वीडियो और दिखा तो आपको 25,000 वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये वाली आप देखिए MX प्लेयर के थ्रू। ठीक है गाइस, जैसा कि आपने देखा वीडियो बहुत अच्छी क्लियरिटी में आएगी, इसकी गारंटी है हमारी। और आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल और नीचे दिए गए नंबर से आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।